हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल प्रिंटर टेक्नोलॉजी में। फ्रेंड्स, आपके साथ कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपका हेड में इंक घुसने से इस तरह से आपका हेड केबल शॉर्ट कर जाता होगा, और इसके शॉर्टिंग के वजह से आपका हेड भी शॉर्ट कर जाता है और हेड में जो है कुछ पिन जो है जल जाते हैं। इस तरह से देखेंगे फ्रेंड्स, आपके हेड में इंक चला जाता है या इंक नहीं गया रहता है, तब भी आपको किसी कारण से जो है आपके हेड में जो है शॉर्टिंग हो जाती है, एक पिन दो पिन जल जाता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आप अपने हेड को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो है ज़्यादातर लोग इसको फेंक ही ज़्यादातर क्या लगभग लगभग 90% लोग इसको फेंक देते हैं, कोई रिपेयर नहीं करता है। तो हम ये आप सिखाएंगे कि कैसे इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है हमने हेड को साफ़ किया हुआ, इसमें एक दो तीसरा पिन, इसमें तीन पिन शॉर्ट हैं और तीनों पिन जो है इसको हमको रिप्लेस करना है। तो हम अलग अलग पिन इसका रिप्लेस नहीं करेंगे, हम इसका पिन जो है सभी पिन को एक साथ जो है रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें तीन पिन शॉर्ट हैं, तो इसको हम जो है रिप्लेस करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना यह है कि ये जो प्लास्टिक का एक्स्ट्रा जो है ये यहाँ पे जो हल्का सा जहाँ से ऊंचाई बढ़ी हुई है, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको कट यहाँ से करने के लिए जो है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आसानी से आप कट सकते हैं, क्योंकि इस बीच में जो है देखिए गैप है और इस गैप में आप कट सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी कट मार सकते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आरी ब्लेड है जो लोहे काटने में काम में आती है, तो इसी आरी ब्लेड का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये आरी ब्लेड देखिए हमारा बहुत पुराना है, लेकिन ये काम करता है। तो आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स आप इस तरह से जो है दूसरे चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाकू फ्रेंड्स, जिस चाकू में ये धारी बनी होती है किनारे किनारे, प्लेन चाकू आपको नहीं लेना है, इस तरह से चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आरी ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख रहे हैं, हमने इसको पूरी तरह से कट नहीं किया हुआ है, बल्कि थोड़ा सा रह गया है, तो तभी हमने जो है इसको रोक दिया। इसका कारण होता है फ्रेंड्स कि यदि हल्का सा भी कार्ड में टच हो गया काटते समय या कहीं कट गया, तो इसका जो प्रिंट होता है वो कट जाता है। तो इसको हल्का सा काटने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस साइड में, जहाँ तक गोल बना हुआ है, इस साइड में कोई भी हार्ड चीज़ या प्लास्टिक जो है या लोहे का, इस तरह से आप चिमटी जो होता है चिमटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा अभी कटा नहीं है बढ़िया से, इसलिए ये टूट नहीं रहा है, नहीं तो कटने के बाद जो है फ्रेंड्स खट से टूट जाता है, तो इसमें हमको थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा। चलिए, ये हल्का सा उभर गया है, अब हम इसको पीछे रास्ते से इसको पिन को घुसा के इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको आसानी से प्लास्टिक को निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये निकल गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आसानी से सारे पिन दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको जो है सोल्डिंग को आप निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी इसके किनारे किनारे भी दो जगह सोल्डिंग होता है, वो सब जानेंगे तो भी आप निकाल पाएंगे। और निकालना कैसे है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दें कि यहाँ पे आप पेस्टिंग करके, और यहाँ पे आप ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। इसका कारण यह है फ्रेंड्स कि हम ब्लोअर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो हेड में जो इंक होता है वो सूख जाएगा और हेड भी जाम हो सकता है, आपका हेड ख़राब हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे जो है आयरन का ही इस्तेमाल कर पाएंगे, और कम से कम 150 वाट का आयरन होना चाहिए आपका। यदि आपको आयरन परचेज करना है तो नीचे फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हेड बनाने से संबंधित जितने भी सामान की हो सकता है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो यह फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ब्लेड ले लेना है, और ब्लेड में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सबसे पहले किनारे दोनों होता है, जो जैक होता है ये तो सामने जो सोल्ड होता है होता ही है, लेकिन इस जैक के किनारे भी आपको सोल्ड मिल जाएगा। अभी आपको हम दिखाएंगे, निकल जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर सोल्ड रहता है। इस तरह से आप किनारे से ऐसे पहले सोल्ड करके, और ब्लेड को जो है धीरे धीरे इसको अंदर आप घुसाएंगे। तो पहले एक साइड में हम निकालते हैं, समय थोड़ा लग सकता है फ्रेंड्स, लेकिन हेड की सेफ्टी के नाते हम यहाँ ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और आप इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या, पूरी तरह से हेड ख़राब हो सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो देखिए, एक साइड में लगभग हमने पिन को निकाल दिया है, अब दूसरे साइड में भी हम इस तरह से ब्लेड, देखिए ये हमारा दोनों साइड से अब ब्लेड घुस गया है। अब इसको हम आसानी से ऊपर से जो है शोल्डर डाल के, और इसको जो है हमेशा ऐसे एक तरफ से रगड़ते जाएंगे और हल्का हल्का ब्लेड को जो है प्रेस करते जाएंगे।
तो ब्लेड जो है धीरे धीरे अंदर जाते जाएगा। थोड़ी सी सावधानी रखिएगा फ्रेंड्स, और ये रिपेयरिंग करके फ्रेंड्स आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये हेड बेकार हो चुका है, लेकिन कस्टमर के नज़र में तो ये बेकार हो चुका है, लेकिन आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक साइड से थोड़ा सा ब्लेड अंदर कर दिया है, और इस तरह से जो है हम सभी को ब्लेड को पूरे ब्लेड को अंदर करके और आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने निकाल दिया। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको करना ये है कि इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेंगे, और ये देखिए आपको दोनों साइड में जहाँ पे सोल्ड हुआ था, एक साइड ये है और दूसरा साइड आप देख ही सकते हैं कि दोनों साइड में यहाँ पे सोल्ड है। तो बिना ये पहले दोनों सोल्ड हटाए आप अंदर का सोल्डिंग को हटा नहीं सकते हैं, तो ब्लेड को ही घुसा के इस तरह से आप इसको काम में ले सकते हैं। तो अब इसके जगह पे जो है फ्रेंड्स आप ब्लेड इस्तेमाल करिए, या फिर कोई भी पतला चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक का चीज़ मत इस्तेमाल करिएगा नहीं तो गल जाएगा। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आपको एक ऐसा हेड लेना है जिसका पिन जो है पूरी तरह से सही हो, उसमें कोई शॉर्टिंग ना हो। तो सेम उसी प्रक्रिया से आपको जो है इसको काटना है, उसी तरह से आपको जो है इस तरह से पिन आपका निकाल लेना है, और पिन निकालने के बाद ये पिन जो है आपको जो है पुराने वाले हेड में आपको डालना है। और कैसे सोल्ड करना है फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी चलते हैं आगे बताते हैं आपको, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपका हेड ख़राब कर सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस सोल्ड करने से पहले इसमें जो पिन है, इसको पिन को हम अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद जो है हम इसको लगाएंगे। तो पहले हम पिन को साफ़ करते हैं सोल्ड करने से पहले, क्योंकि एक एक चीज़ अच्छी तरह से सोल्ड हो इसके लिए आपको पिन को साफ़ रखना पड़ेगा, और ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई यदि पिन शॉर्ट है निकालते समय तो उसको भी आप यहाँ से पेस्ट लगा के आप इसको आसानी से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आप किनारे किनारे सोल्ड करेंगे जहाँ से हमने पहले निकाला था। पहले एक किनारे सोल्ड करने के बाद दूसरे किनारे सोल्ड करने से पहले ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि सारे पिन अपने अपने जगह पर हैं कि नहीं हैं। सारे पिन अपने जगह नहीं होंगे तो फिर से आप इसको सोल्ड करके और अपने जगह उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से जब एडजस्ट होगा फ्रेंड्स, तभी आप दूसरे साइड में इसको सोल्ड करेंगे, नहीं तो तिरछा हो जाएगा तो आपका सारा पिन एक साथ बैठेगा नहीं अच्छी तरह से। ये इसमें फ्रेंड्स प्लस पॉइंट होता है कि आपको पहले अंदर सोल्ड करने से पहले आपको जो है अच्छी तरह से बैठा के आप देख सकते हैं कि आपका सारा पिन जो है एक साथ बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप बारीकी से चेक कर लेंगे, सारा पिन एक दूसरे के होना चाहिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है सोल्डिंग करना आसान हो जाता है। सोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस बीच में जो गैप बना हुआ है इसको आप कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग है तो पहले हम शॉर्टिंग हटा लेते हैं। अब इस तरह से आसानी से आप सोल्ड कर सकते हैं। अब सोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसमें बीच में गैप को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि यदि गैप रहता है तो हल्का सा भी इंक इसमें घुसेगा तो आपका फिर से पिन शॉर्ट हो जाएगा। तो पहले हम सोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये देखिए ये है गन जो आप इस्तेमाल करते हैं, ग्लू गन। आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा ग्लू गन जल गया है तो उसके जगह पे हम इसका जो ग्लू होता है हम ग्लू का ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है इस तरह से नहीं सही हो पाएगा, तो हम बगल में पड़ा हुआ ग्लू गन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप भी ग्लू गन का ही इस्तेमाल करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने ग्लू गन का इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से फिल कर दिया है। अब इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने प्रिंटर के हेड को रिपेयर करके और अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई रिस्क नहीं है। हाँ, इसको लगाने से पहले आप प्रिंटर में आप चेक कर लीजिएगा F1 आपका सही है कि नहीं सही है। F1 यदि उड़ा हुआ है तो उसको आप सोल्ड कर लीजिए। इसकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं कैसे F1 सही कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही।